अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? ये देखें आप इल्सा को और इल्सा की स्पीड। अरे कहना क्या चाहते हो, ये तो क्रिकेट की तरह शेप बदल रहा है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। मॉर्निंग एवरी वन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल बुशरा खान ब्लॉग्स। सो आज है फ्राइडे और सुबह के 10:30 बज रहे हैं और धूप है बहुत ज़्यादा तेज़। आज अम्मी के घर जाना है, क्यों? क्योंकि यूसरा की बर्थडे के डेकोरेशन करना है और यूसरा को हम लोग ये सरप्राइज़ देने वाले हैं। सो उसका जो भी रिएक्शन होगा ना, वो तो मैं कैप्चर डेफिनेटली करने वाली हूँ कैमरे में, क्योंकि उसको नहीं पता कि हम लोग क्या प्लान कर रहे हैं। बट मैंने डिसाइड करा है कि हम अच्छे से रूम डेकोरेट करेंगे और फिर जो भी बर्थडे का मतलब केक वगैरह होता है ना, वो लेकर आएंगे और फिर उसका बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे और उसकी पसंद का खाना बनाएंगे। सो आज तक वो सबको सरप्राइज़ देती आई है, सो मैंने सोचा चलो इस बार हम लोग उसको सरप्राइज़ देते हैं। तो अभी मैं अम्मी के घर जाऊंगी बच्चों को लेके, क्योंकि मार्केट जाना है, डेकोरेशन का सामान लेकर आना है। पहले मैं मीशो से सोच रही थी, बट मीशो से मुझे लगा कि वो शायद सही नहीं भेजेंगे, तो इस वजह से ना मैंने इल्सा को बोला कि हम लोग खुद चलेंगे मार्केट और ख़ुद देख कर लाएंगे। तो हमें भी नहीं पता एक्चुअली हमारी मार्केट में कहाँ मिलता है डेकोरेशन का सामान। सो आपको भी लेके चलूँगी, सो दोनों साथ साथ चलेंगे और ढूंढेंगे कहाँ मिलता है सामान। सो आज का जो व्लॉग है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और बस अब ब्रेकफास्ट कराऊँगी बच्चों को, रेडी करूँगी और फिर चलेंगे अम्मी के घर। जा रहे हैं थोड़ा सा डेकोरेशन का सामान लेने के लिए, तो आपको भी लेके चलते। एक्चुअली मुझे शॉप्स यहाँ पर पता नहीं कहाँ मिलेगा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है डेकोरेशन। बट इल्सा कह रही है दरियागंज के साइड पे कहीं मिलेगा, तो चलिए साथ साथ चलते हैं और फिर आपको भी दिखाते हैं वहाँ पर कि कौन कौन सी डेकोरेशन हम लोग लेने वाले हैं और किस तरह से हम डेकोरेट करेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बर्थडे की डेकोरेशन। तो ये इन्होंने कुछ, ये पिंक कलर का होगा और नहीं है कलर, तो ये कुछ इस तरह की डेकोरेशन ये हमें बता रहे हैं। सो लेट्स सी, और भी लेकर आ रहे हैं अभी अंदर से, तो देखते हैं। इनके पास केक्स वगैरह भी हैं, ये देखते हैं। वो बेकरी है, गजब बेइज्जती है। हाँ बेकरी है ऑब्वियसली, और इल्सा बनवा रही है केक। कितने का है? कर्टन कितने? दो कर्टन होंगे, काफ़ी पक्की बात है। अटका लेंगे कहीं ना कहीं। हाँ शॉपिंग कर ली है और अब हम लोग जा रहे हैं घर। इल्सा ने बनवा लिया है केक, जो कि शाम तक आएगा, जब तक दूसरा ऑफिस से आएंगी। और अभी हम घर में जाके डेकोरेशन करेंगे। इल्सा एक्साइटेड हो? अब जल्दी जल्दी हम डेकोरेशन स्टार्ट कर देंगे। और ये देखिए इल्सा को पीछे, दो हमने स्माइली बलून्स भी ले लिए। वो बेचारा बहुत मतलब ऐसे फेस से कह रहा था प्लीज़ ले लो, हमने कहा चलो दो और ले लेते हैं। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे डेकोरेशन की तैयारी शुरू हो चुकी है। इल्सा लग गई हैं जोरों शोरों से, शाबाश बेटा। और रयान लगे हुए उनके साथ, चलो। और मैं अब यहाँ पर इस स्टैंड पे लगा रही हूँ और सद्दू हमारी रेडी हो गई। कितनी प्रीटी लग रही है, सद्दू खड़ो के दिखाना। हाय करो, हाय सुई, हाय। इनसे ये गोल्डन और एक रेड क्यों लग रहा है? नहीं नहीं डिफरेंट कलर लग रहा है, अलग अलग लग रहे हैं दोनों। इल्सा बहुत ऊपर लेके जा रही हो बेटे, पफ रखा जाएगा ना, तो पफ के अकॉर्डिंग बनाओ। थोड़ा इधर तो करो, इधर तो गेट ही हो जाएगा, इधर करो ना।
हाँ इधर इधर बस यहाँ पर ये सही है। स्टैंड पे लगा हुआ है कैमरा। फुला रही हैं रियान वहाँ बैठ के फुला रहे हैं, हुसैन भी कोशिश में लगे हुए हैं और सादिया इन सब की कोशिश बर्बाद करने में लगी हुई है। ये मैंने बुलाया। इतना प्यारा। चलो अच्छा बैठ जाओ, फूट ना जाइए। हाँ किसको फूटो? बाय बाय टाटा गुड बाय। तो गाइस हम लोगों ने डेकोरेशन स्टार्ट कर दिया, आप पीछे देख सकते हैं इल्सा फुग्गे फुलाने में इतना टाइम लगा रही है, बहुत ज्यादा। रियान तुमने कितने फुला लिए? कुछ नहीं फुलाया, उसने जितने वो रखे ना सब मैंने फुलाया, कर लाऊं जी। कितने फुलाए तुमने बलून? मैं तो गाना सुन लूं ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं लेकिन यार यहां में पिघल गया। बलून नहीं फुलाओगे तुम? कुछ नहीं कर रहा मैं, गलत कर लाऊं। फुलाओ जल्दी जल्दी। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? हाँ और सादिया रिक्शा में कोई और से कपड़े पहनी हुई थी और घर में आके इनको कपड़े चेंज कराए क्योंकि ये वाली जो फ्रॉक है ना मैं काफी टाइम से अपनी अलमीरा में ढूंढ रही थी बट ये अम्मी के घर में थी तो अब इनको यहाँ के इनके कपड़े चेंज कर दिया। ये देखें आप इल्सा को और इल्सा की स्पीड चेक करें। जाके इलाज करो। यूसरा आके फिर कल ऑफिस भी चली जाएगी, इल्सा बलून फुलाती रह जाएंगी। कितने? मैंने गिने ना कितने हो गए? 10 तो हो ही गए। अम्मी देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है हमारी। अम्मी हाय करें। गाइस पता है मैं कैसी लग रही हूँ पीछे से? पागल लग रहा है। पीछे से या आगे से? बहुत अच्छी लग रही हो। और ये देखे रियान को, रियान बिल्कुल वेल्ले बैठे हो बेटे। रियान मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। इसने वो लगा लिए एयरपोर्ट्स। रियान हुसैन खटखटाना है ना, बहुत तेज हो रहे हैं। रियान बलून बुला लो बेटे, बलून बुला लो, बलून हाँ बुलाओ ना। चलिए गाइस मैं लगती हूँ काम में अपने। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। ये कैसी शेप का बलून है? ये तो क्रिकेट की तरह शेप बदल रहा है। अरे कहना क्या चाहते हो? पहली बार क्रिकेट रंग बदलता है शेप। समझ रहे हो? समझ रहे हो? बस इतना ही। दादा नहीं कान में फट रहा है। मम्मी बस काफी है। मम्मी पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं लेकिन यार यहां में पिघल गया। अभी
मजा आएगा ना भिड़ो। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। वाह क्या सीन है। तो ये देखिए गाइस बलून हम लोगों ने फुला लिए हैं और बस अब हम इन्हें सेट करेंगे। तो ये देखें गाइस हमने कर्टेंस लगा दिए और ये स्टार ब्लैक कलर का कितना खूबसूरत लग रहा है। यूसरा को ब्लैक कलर पसंद भी है और स्माइलीज भी लगा दिए ऊपर और इनसे एक और स्टार फिल कर रही हैं। उसमें कुछ गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई था? रयान ने फाड़ दिया इसको। रयान क्यों फाड़ा? कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? कौन रही है? वही जिसको गिरगिट कर रही है। लटका दो। और ये यहाँ पे हैप्पी बर्थडे लिख रहे हैं। ये इस तरह के इन्होंने क्या कहते हैं सही ना, फ्लैग्स दिए हैं। तो ये हैप्पी बर्थडे के लगा रहे हैं। रयान स्पेलिंग आती है हैप्पी बर्थडे की? हैं अल्लाह, इसने कानों में वो लगा रखा है एयरपोर्ट्स। हैप्पी बर्थडे की स्पेलिंग आती है? नहीं नहीं आती। तो फिर कैसे बना रहे हो? इससे पहले जो डेकोरेशन वाले तुमने मंगवाए थे इनसे यूसरा आपी ने ऑनलाइन, तो वो क्या इसमें ये थोड़ी था? हमने कब मंगाया? अच्छा नानी के टाइम पे नहीं मंगाए थे? कितने का? वो तो 1100 रुपए का सामान कह रही थी। 1100 रुपए का मंगवाया? क्यों? नानी की बर्थडे वाले दिन के बात कर रही हूँ। खुद लेकर आई थी स्टार 20-20 रुपए। गजब बेइज्जती है। इनसे ये दो में होंगे, हैप्पी अलग बर्थडे अलग, ठीक है? तो अब ये इल्सा हैप्पी नीचे करो बेटे, नीचे करो इल्सा। चुप। यूसरा जहाँ तक बैठेगी, जहाँ बैठेगी उसको तो इतना तो चाहिए। हाँ यहाँ पे करो, वेरी गुड। इल्सा थोड़ा साइड होके दिखाओ लोगों को, तुमने गिर जाना। कंप्लीट और बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत सिंपल सा, बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से। और बस अब यूसरा के आने का वेट कर रहे हैं। सो अभी टाइम हो रहा है 7 o'clock, तो यूसरा ऑलमोस्ट आने वाली है। तो यहाँ पर हम सिटिंग अरेंजमेंट भी कर देते हैं और फिर यूसरा का सरप्राइज़ और उनका जो भी रिएक्शन होगा ना सडन, वो मैं ज़रूर कैप्चर करूँगी, तो वो भी आप लोग देखिएगा। बस इल्सा को लाना है केक। इल्सा हाफ एन आवर, चलो ठीक है हाफ एन आवर में हमारा केक भी आने वाला है। और ये लोग अपना ही कुछ कर रहे हैं। क्या कर रही हो तुम? रील बनाने में लगी हुई है ये नानी नवासियाँ। चले कोई बात नहीं, शुई बैठे यहाँ पे। हाय भाई, मज़ा आया?